हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कि डहलिया के प्लांट से आप ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं, तो यही वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच शुरू करिएगा। विंटर्स में फूलों वाले पौधों की जो है बहुत सारी वैरायटीज़ आपको नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन डहलिया उसमें से बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बहुत ही बिग साइज़ के फ्लावर खिलते हैं और यह सिंगल पैटर्न का डहलिया का प्लांट है। इसमें डबल भी आते हैं और बहुत सारे कलर्स आपको नर्सरी में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने ऐड नहीं किया है इस प्लांट को अपने गार्डन में, ज़रूर ऐड करिए। सिंगल भी आता है, डबल भी आता है। तो मेरे पास जो है सिंगल के ही दो प्लांट हैं और इन प्लांट्स में भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ अपने प्लांट्स में ताकि जो है इन प्लांट्स में ढेरों फ्लावरिंग हो, वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख पा रहे हो कितने सुंदर फ्लावर्स लग रहे हैं इसके। दोस्तों, डहलिया के प्लांट को आप बल्ब के द्वारा ग्रो कर सकते हो और इस प्लांट को कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है। और इस प्लांट को आप फुल सन में रखिए, जितनी अच्छी धूप इस प्लांट को मिलेगी उतनी ही अच्छी यह फ्लावरिंग करता है। और अभी यह फ्लावरिंग जो है होती रहेगी। इसमें अभी फरवरी लग गया है, मार्च अप्रैल मई तक इस प्लांट में फ्लावरिंग जो है होती रहेगी। और इस प्लांट को आप सेव करके भी रख सकते हैं क्योंकि यह बल्ब वाला प्लांट है, तो आप इस प्लांट को जो है सेव करके रख लीजिए। और यह परमानेंट प्लांट होता है, ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में। दोस्तों, आपके साथ शेयर करती हूँ मैं क्या यूज़ कर रही हूँ अपने प्लांट्स में ताकि इन प्लांट में ढेरों फ्लावरिंग हो। और कितनी सारी कलियाँ जो हैं इन प्लांट्स में बनी हुई हैं आप देख पा रहे हो। एक ही प्लांटर में जो है 10 से 12 कलियाँ बनी हुई हैं और इस वाले प्लांट में बहुत सारी कलियाँ बनी हैं, बहुत सारी खिली भी हैं। तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ आप लोग देखिए। ये मैंने लिया हुआ है, ये देखिए फ्रेंड, ये आप देख पा रहे हो। मैंने जो है थोड़ा सा बोन मील लिया हुआ है ये, और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो इन्हीं का मिक्सचर जो है अपने प्लांट्स में मैं ऐड करने वाली हूँ। तो इन प्लांट्स की आपको जो है अच्छे से गुड़ाई करनी होगी और गुड़ाई करने के बाद जो है आप इन प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र को जो है यूज़ करेंगे। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही यूज़ किया है, मैंने आज मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में ऐड करिए। ये बोन मील है और ये वर्मी कंपोस्ट है, इसी का मिक्सचर जो है अपने प्लांट्स में आप ऐड कर सकते हैं और ढेरों फ्लावरिंग जो है पा सकते हैं अपने प्लांट्स से। आप बोन मील का यूज़ करके ज़रूर देखिएगा अपने प्लांट्स में। वर्मी कंपोस्ट हमारे गार्डन में होता ही है, तो इन दोनों का मिक्सचर तैयार करके आप जो है अपने प्लांट्स में दीजिए। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है आपके प्लांट्स में। वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो आप लोगों के लिए तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।